हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ डार्क। जिनको नहीं पता डार्क वेब सीरीज कौन सी है, क्या है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ डार्क मैं बात कर रहा हूँ। हु एम आई, चूंकि एक जर्मन मूवी है, ये आपको जर्मन लैंग्वेज विथ इंग्लिश सब टाइटल्स देखने को मिल जाती है, और ये आपको फ्री में कहाँ पर HD प्रिंट देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँ। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 41 मिनट की, और कहानी फोकस करती है बेंजामिन, जो कि खुद को एक सुपर हीरो मानता है, क्योंकि बचपन से जवानी तक बेंजामिन की लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई है, और बेंजामिन को ऐसा लगता है कि सुपर हीरोज यानी कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन और बैटमैन, इनके भी लाइफ में बचपन से बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये खुद को सुपर हीरो से कंपेयर करता है, और इसको ऐसा लगता है कि इसका जो पावर है वो है इनविजिबल। हालांकि ये कोई सुपर हीरो वाली मूवी नहीं है। इनविजिबल का मतलब ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक ये उन बंदों में से एक है जिसके होने ना होने से लोगों ने कभी परवाह नहीं की। यानी कि बचपन में स्कूल में भी जितने भी दूसरे बच्चे थे वो कभी बेंजामिन की परवाह किए ही नहीं, और जवानी में जब बेंजामिन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाद भी आजू बाजू के लोग बेंजामिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं किए। लेकिन बेंजामिन जब 14 साल का हुआ तब उसने कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या होता है, हैकिंग कैसे करते हैं और डार्क वेब क्या होता है, ये सब कुछ जानकारी हासिल करने लगा। और उसके बाद उसको पता चला कि एक ऐसा हैकर है जिसका नाम है MRX। कहीं ना कहीं वो MRX जैसा वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड हैकर बनना चाहता था। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा यार, ये तो आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। खैर बात करें इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो मूवी के ख़त्म होने तक एग्जैक्ट थोड़ी देर पहले आपको कहीं ना कहीं मूवी फाइट क्लब और मिस्टर रोबोट से सिमिलर लगेगी, लेकिन ऑल दो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। उसके अलावा मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। मूवी की लेंथ 1 घंटे 40 मिनट होने के बावजूद भी आप कहीं से भी बोर होते नहीं, मूवी एकदम फास्ट पेस देखने मिलेगी। उसके अलावा मूवी में आपको पास्ट और प्रेजेंट्स के काफ़ी सीन्स देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में शूट किए गए। BGM बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से यहाँ पर हैकिंग के बारे में, इंटरनेट के बारे में, डार्क वेब के बारे में डिटेल में बताया ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा और मज़ा आ गया देख के। हालांकि मैंने हैकिंग के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ देखी, लेकिन फिर भी जब मैं इस पर्टिकुलर मूवी को देख रहा था तो मुझे इन्जॉयबल लग रहा। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो लीड एक्टर है, आई थिंक टॉम नाम है उनका, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस किया। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। मूवी की अगर नेगेटिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर बेंजामिन और उसका जो लव इंटरेस्ट बताया मरी, उन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है उसको यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं बताया। अगर वो पर्टिकुलर पोर्शन मूवी में थोड़ा और डिटेल में बताता तो शायद थोड़ा और मज़ा आता। लेकिन ओवरऑल मैं इस मूवी के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि यस, ये डेफिनेटली एक वॉचेबल मूवी है। पेरेंटल गाइडेंस के लिए भाई ये मूवी एडल्ट्स के लिए बनाई गई। हालांकि यहाँ पर आपको इतने एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जितने भी है मेरे हिसाब से मत देखो तो बेटर है। घर पे अकेले हो तो बिंदास देखो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 8 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। ये मूवी आपको मूवीज फ्लेक्स पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से जाओ इसको डाउनलोड करो, या तो फिर ये नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।